राम राम जी, स्वागत आप सभी का द चर्चा 24 और स्पोर्ट्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ भाई कुलदीप के। तो दोस्तों, आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जो कि हरियाणा में सबसे पहला जिन्होंने घोड़ा जीता, संदीप मलिक सिंह जी, और उनके साथ में थे कृष्ण पहलवान जी। तो हमारे साथ मौजूद है संदीप जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। नमस्कार जी। एक बार सभी दर्शकों को एक बार नमस्कार करते हैं जी। संदीप सिंह की सभी दर्शकों और सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से राम राम। संदीप पहलवान जी, आपने कबड्डी में आप इतना अच्छा नाम कराया, परिवार में अपने एक बार इंट्रोडक्शन होते तो अपना नाम, परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम संदीप सिंह जी। मेरे माता पिता, मेरा छोटा भाई है, दोनों भाई शादी हुई है। छोटा भाई का एक लड़का एक लड़की है, मेरे एक लड़की है। अच्छा, पहलवान जी छोटे भाई का लड़का है, कभी सोचा हो लड़के ने कबड्डी में लाऊं कुछ सा? कलबद्दी उन्हें कबड्डी में लेवांगे, कलबद्दी ज्यादा उन्हें कबड्डी में कराएंगे। अच्छा, और जो छोरी है, छोरी भी तो किसी खेल में जाने की रहते है भाई, लड़के के किसी गेम में लावे कुछ ऐसा? देखो ये लोग तो छोरी ढीली है। अच्छा हाँ, तो पहलवान जी कबड्डी की बात करा, आपने कबड्डी की शुरुआत कब करी, किसको आदर्श मान के करी? भाई आदर्श तो सर हम पहले अपना परिवार ही हुआ है। सही बात है जी। परिवार ने सपोर्ट करी जी। और फिर मेरे काका है के बबला पहलवान, उसने मुझे सिखाई कबड्डी जोर खेलना जी। और उसकी लिए फिर आगे कदम बढ़ते रहे, मैं आगे जाता रहा। कब करी थी पहलवान जी अपना कबड्डी की स्टार्ट? 8-10 साल हो गए भाई। मतलब 8-10 साल हो गए हैं। हाँ। उस मतलब 8-10 साल पहले कबड्डी की शुरुआत करी थी और 8-10 साल हो चुका आपने खेलते हुए। हाँ जी। पहलवान जी गांव में शुरुआत करी थी या फिर कहीं और जाया करते खेल? ना भाई, शुरू में गांव में करी थी मैंने तो शुरुआत। गांव से शुरुआत? गांव में शुरुआत। गांव की तरफ से कितना सपोर्ट मिला पहलवान जी? गांव की तरफ से पूरा तन मन से सपोर्ट है जी, पूरी सपोर्ट है गांव की तरफ से जी। पहलवान जी बाहर भी टीम में खेल लो, गांव की टीम में खेल लो सदा? ज्यादा तो गांव की टीम में खेले हैं, फिर बहू में खेल लिया, आयर में खेल लिया जी। और जी जी, एक दो टीम और खेले जो घर एक दो खेला है नुए माम खेले जी। पहलवान जी आयर की बात करें, आयर में भी बढ़िया टीम रही है, मित्तू आयर हो गया, छोटा मित्तू आयर हो गया, रामपाल हो गया, रामपाल जी के छोटा भाई हो अनिल हो गया। तो जिस टाइम आप खेले उस आयर की टीम में, उस टाइम कौन कौन पहलवान थे अपने खेले? भाई हमारे तो सीनियर टीम है, बढ़िया टीम है। रामपाल तो छोटे को सारे खेल खेल रहा हूँ, रामपाल स्टेट स्टार डिस्ट्रिक्ट राष्ट्रीय तो खिलाई, रामपाल ने खेल लाइक के ले तो वो सीनियर थे, माम जूनियर। हाँ, और बढ़िया प्लेयर है गाँव के। पहलवान जी कबड्डी के अलावा और किसी खेल में भी इंटरेस्ट है? ना भाई, कबड्डी में इंटरेस्ट है। अच्छा, पहलवान जी थोड़ी फिल्मा की बात करें, फिल्मा भी इंटरेस्ट? मैंने देखने नहीं आता, टेलीविजन देखता मैं। अच्छा जी। हाँ। देखते नहीं कभी? सोशल मीडिया पे, फेसबुक कुछ नहीं? आप देसी है भाई? जमा देसी है जी। पहलवान जी, पहलवान जी भाई भी कबड्डी खेल है जी छोटे? ना भाई, हाँ तो डॉक्टरी लाइन में था। अच्छा अच्छा जी, कबड्डी खेलता जी। पहलवान जी गांव में किसी टीम रही है अभी तक, गांव के कौन कौन खिलाड़ी बढ़िया मुकाम पर गए हैं? भाई मारते जो सीनियर थे 10 साल पहले जी, जब हमने मने खेलना शुरू किया उस तक 10 साल पहले बढ़िया टीम थी। अच्छा, 10 साल के बाद मैं नई टीम बनाई, मैं इन बड़कन ले गया था सारे ने, मन नई टीम बनाई थी और मारते बढ़िया टीम हुई है पहले की टीम। अच्छा जी, मम तो कुछ सावा सब कुछ थी जी। तो उस टाइम की टीम के कोई पहलवान है अपने गांव में जीत गए? हाँ, उस एक तो धर्मवीर सर हैं, पहले तो धर्मवीर एडवोकेट है, बबला पहलवान है, अशोका पिता है, जीता है, कमला है, सारे बढ़िया प्लेयर थे, मारते बढ़िया थे। अच्छा जी, तो उनने देख दे हो गया आप खेलते हो? हाँ, उनने देख के हौसला बढ़िया, फिर वे खेले यार दे माम दे, मैं देखा यार दा बनु जुनून हो गया जी, इस वजह से सर्कल खेलने लग गया मैं। पहलवान जी गांव में आप खेल लो, गांव की टीम बढ़िया है, बहुत बढ़िया भी रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रदर्शन करे आपकी गांव की टीम ने। आपके साथ में
कौन कौन बढ़िया रेडर थे, कौन कौन बढ़िया कैचर थे? भाई मैं अपनी टीम की बताऊं, सारे पहले था नरेंद्र, करसन, रिंकू खुराटी, तीनों कट्ठे रेडर थे, तीनों खुद के रेडर थे हमारे। और कैचर थे मैं था, प्रदीप था, मोहित था, एक अशोक था, एक नवीन था। फिर इन दोनों ने मेरी पे सट के अरपा ला गया था, छोटा भाई बोले यार देने ये कैचर थे ये थे। पहलवान जी पहले की बात करें, जब आप जिस टाइम आप शुरुआत करी खेल की या फिर खेल की शुरुआत करने से पहला कोई सा बढ़िया आपने रेडर लगता हो अपने खेल में, इस कबड्डी खेल में? भाई उस टाइम तो फरमाना फरमाना थी जी, वीरेंद्र फरमाना हो गया, बिच्छू हो गया, विकास आ गया, सुभाषा था, यार हमारा नजदीक अरिये थे, रामपालर थे जी। ये बढ़िया थे भाई, इन्हें देख कर नू कि रेडर की बात करूं पहलवान जी, रेडर की, रेडर तो सुभाषा था भाई, विकासा था। आप पसंद करेंगे पुराने में? हां पुराने में सुभाषा। पुराने में कैचर की बात करें पहलवान जी, कैचर में तो भाई ये थे भी रामपालर था, बिच्छू था जी, ये थे। और पहलवान जी नए खिलाड़ियों की बात करें, फिलहाल के जो भी नए खिलाड़ी चल रहे हैं, इनमें कौन सा रेडर बढ़िया लगा, कौन सा कैचर बढ़िया लगा? देखो हमने अपना रिंकू लगा, रिंकू क्रेटी, रिंकू क्रेटी। और कैचर की बात करें पहलवान जी, कैचर तो भाई कई है, जो मनीष हो गया, बिल्ला हो गया जी। पहलवान जी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करे आपने, सबसे पहला बेस्ट आप कहाँ आए थे? सबसे पहले बेस्ट आए थे बामू कुराना भाई जी, नजदीक है यार कुराना, मिश्र कुराना का काम वहाँ था। तो पहलवान जी के नाम जीते थे आप वहाँ? भाई बेस्ट का नाम नहीं था, सीधा वैसे मान सम्मान दिया था। अच्छा पहलवान जी पहली बार जब आप बाइक कहाँ जीते थे? उदयपुर जीता था, उदयपुर मैच, जिंद में उदयपुर मैच थे, बनभोरी के पास नून जी, नीचे वहाँ बेस्ट का शर्मा था, बेस्ट राइडर जयबीर डोला था। अच्छा और पहलवान जी आप बेस्ट वहाँ था बाइक जीत के लाए, किसके अपोजिट खेले थे? मतलब डोला थी, डोला 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 थी जी। अर्पल मां जी कहीं तो हमने पता चला था, बताया भी आपने बताया और हम बताया पूरे हरियाणा ने पता है कि ना पहली बार जो कि हरियाणा में घोड़ा जीतने वाले संदीप पहलवान और कृष्ण जी है, तो कब जीते थे और किसके खिलाफ जीते थे? भाई डोले की धरती पर जीते थे और छत्र के खिलाफ जीते थे। अच्छा जी, छत्र के लिए फाइनल मैच था हमारा जी। जब तो पहलवान जी कृष्ण जी भी आपके साथ में थे? हाँ बेस्ट कैचर मां था, बेस्ट राइडर हुआ था कृष्ण जी, वो आया था जी घोड़ा, हाँ, घोड़ा सफेद घोड़े थे जी। पहलवान जी आप पहली बार जब इनाम जीत के ले गए कबड्डी में, जिस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस टाइम में कितनी खुशी हुई थी पहले भाई इनाम जीतने की? खुशी तो बहुत हुई थी भाई, सदार दे आए थे, एक डेढ़ साल लगातार आ रहे थे। अच्छा पहलवान जी फिर तीसरी चौथी पोजीशन में बढ़ने लग गए जी, फिर बड़े बढ़िया आ गए, फिर पोजीशन लगन लग गई जी, फिर तो हौसला बढ़ता रहा और आगे चलते रहे जी। पहलवान जी सबसे बढ़िया ग्राउंड आपने कौन सा लागे खेल दिया ना भाई, इस ग्राउंड यो मेरा सबसे लकी ग्राउंड है ऐसा कुछ? सोंगल का है जी, कैथलाई सोंगल का है, कैथलाई सोंगल जी, हाँ कलोई है जी। अच्छा भाई पुर है भिवानी में, मतलब कई हो गया इसी से ग्राउंड जी, कई है, उदयपुर है, एक यार मंडोरा, मंडोरी सोनीपत में मंडोरा, कई ग्राउंड ऐसे है जो दो तीन में गया मैं, दोनों इन ग्राउंड में दो दो तीन तीन में टीम भरी, दोनों तीनों में फर्स्ट आया। अच्छा, बेस्ट आया ठीक है। पहलवान जी आपने बताया कि आप बहुत सारी टीमों में खेलो, टीमों के साथ भी खेलो, पहलवान जी ऐसा कोई मैच याद है जिसमें खेल घुनाए मजा आया हो? सह भाई बहु खेल मैच लग गया था मंडोरा जी, वो पूरे टाइम पर भी बराबर थे, हम पाँच पाँच में बराबर थे, तीन तीन में बराबर रहे, फिर गोल्डन रेड पे भी माम जीते थे, मैंने कैच मारी थी जी, वो मैच टक्कर का लग गया था। तो बहु गेला मैच था, बहु गेला मैच था, तो बहु में सोनू था, मारा रिंकू था। और इस तरह कोई और मैच याद हो पहलवान जी कोई? फिर है डोला का छत्र गेल। अच्छा जी, वहाँ तगड़ा मैच जीते थे ना, घोड़ा जीते, घोड़ा जीते थे जी। पहलवान जी कितने नाम जीते आज तक, के नाम जीते हैं कुछ याद हो? भाई चार मोटरसाइकिल है जी, दो मुंदरी है, एक गुट्ठी है जी, चार LCD है, घी के टीन है, कैश प्राइज है, और मान सम्मान तो है फिर जी। पहलवान जी, पहलवान जी हरियाणा में खेल कमेटियाँ की बात करें तो सबसे बढ़िया आपने खेल कमेटी कौन सी लग गया है, जो मतलब ईमानदारी से मैच कराती हो और जो खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़िया करती हो? भाई मार तो अड़े कक्षीण है, आयर है, एक अपने जुरासी है जी, और भाई अमंडोराली थी,
और भाई मजड़ हुई थी, बढ़िया थी वह भी टूर्नामेंट भी, कमेटी भी। पहलवान जी, आज के समय में आप देख रहे हो कि बहुत सारे खिलाड़ी ना हरियाणा छोड़कर पंजाब के नहीं खेलने जावे है, क्या कारण है जो कि खिलाड़ी पंजाब की तरफ जावे है खेलने जावे है? सर भाई वहाँ एक सब तो मोटी बात तो यह है, वहाँ मैच टाइम पर करवाए देते हैं, यार दो दो तीन तीन दिन करवा हुआ है, यह कमी है। उड़ छोटी टीम है जो उन मैंने कौन दिन दे किराया ज़्यादा दे, यार किराया कम दे है, बस इस वजह से वहाँ जा है। तो बहुत सारी खेल कमेटियाँ में मतलब ये कमी है यहाँ की? हाँ यहाँ की कमी है, बस इस वजह से जा है, खर्चा कम दे। जी पहलवान जी, बहुत सारी जैसे खेल कमेटियाँ हम भी बात करा है, खेल कमेटी खिलाड़िया का कसूर काट दे है, खिलाड़ी खेल कमेटिया का कसूर काट दे है, ये तो दोनों में कमी है भाई, खिलाड़ियों में भी कमी है फिर कमेटियों में भी कमी है जी। एक हाथ ताड़ी तो कौन बजती, किस प्रकार था थोड़ा बता सको आप पहलवान जी? बस टीम माने तो नू सोचना चाहिए, बस 10 बजे आगे ले आगे बाना चले जावा, ठीक बात पहलवान जी, दन दन में मैच हो जाए जी। और वे नू सोचा भाई एक दिन में टूर्नामेंट करवा, दो दिन में ना करवा जी, बस। पहलवान जी आपने पता है पूरे हरियाणा में सभी जानते हैं जो भी खेल प्रेमी है या फिर कबड्डी के साथ जुड़े हैं, सरकार ने कबड्डी को नेशनल से बाहर कर दिया, तो ये कोई सराहनीय कदम है या फिर इसको दोबारा फिर खेल कमेटी इस पे विचार करे और इसको दोबारा फिर नेशनल विचार करे? भाई इसने भी इसमें लिया नेशनल में भी जी, अच्छा कदम है जो अगर एक दो बालक का रोजगार का साधन हो, कई बालक ऐसे है जो कबड्डी के सारे काम चला रहे अपने, उन्हें नौकरी मिल जाए, जो हुड्डा सरकार थी इन्हें नौकरी लाई, सेक्रेटरी लाई, पुलिस में लाई, या भी नुए दो चार उनमें जो बढ़िया बढ़िया उन लाए थे, काबिलियत है जी पहलवान जी, अगले फिर और मेहनत करे बालक। पहलवान जी आपकी टीम बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती आई थी, आपके नजर था आपको याद हो कुछ ऐसा कि ना कौन सा सीजन ऐसा था जिसमें सिंह गांव की टीम सबसे बढ़िया खेल गई थी और कितने मैच जीत गई थी? भाई सबसे बढ़िया हमारा था 16-17 सीजन जी, उसमें 17 बार लगातार फर्स्ट आए थे हम, जिसमें मारा और खरक का या बहू का लगातार इन्हीं खेल मैच आई, इन्हें में फर्स्ट फाइनल में मतलब फाइनल में जी। सो यार 35-36 टूर्नामेंट 17 लगातार लगी थी, फिर हमारा नज़दीक थी यार ऐट वहाँ आ रहे थे, फिर माँ में कलोई हार गए, फिर 16-17 फिर मारी थी और फिर आखिर में बढ़िया प्रदर्शन रहा था जी। पहलवान जी कभी खेल के अंदर आपको चोट चट भी लगी है कुछ ऐसी? ना भाई मेरे चोट नहीं लगी, कभी खेल दिया ना आपके उस तक किसी दूसरे प्लेयर का ना दूसरे का लगी? तो पहलवान जी जो नए खिलाड़ी है उनको आप किस प्रकार से टिप्स दोगे कि ना आप चोट से बच जाओ, क्योंकि आप देखते हो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, छोटे मित्तू की बात करो या और भी कई खिलाड़ी हैं, अपना कुराना मेसी कुराना की बात करो, ये खिलाड़ी क्या थे जिस समय इनका बढ़िया प्रदर्शन होता था इनको चोट लग जाती थी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि खिलाड़ियों को बता सके भाई आप इस तरीके से खेल लो भाई चोट तब भी बच सको? भैया है भाई तन मन मन था अपना मेहनत करो जी, मेहनत अच्छा कर्म हो गया अपने ग्राउंड में जाओ जी भाई, इससे ये बच सके हो तो भाई भाग है आप अपने, सही बात है पहलवान जी, छोटे कबड्डी का गहना भी है ये लगती छोटी मोटी सब का लग गई है जी, बस यही है। पहलवान जी कोई सा मैच याद है आपका जिसने मतलब खेल गया मतलब दुख सा आया हो यार यो मैच तो गलत होया हमारी खेल, मतलब इस मैच में तो कुछ हमारी कमी रह गया टीम की कमी रह गई, कुछ ऐसी चीज याद हो कोई मैच ऐसा? हट है भाई जी, चढ़ाई में भी अरुण भी हटिया ग्राउंड याद आ रहा है हमारा, अच्छा जी सही पूरी तैयारी में भी जब भी एक दो नंबर जब यार जहाँ यार प्रदर्शन बढ़िया कौन होता हमारा, अच्छा जी मतलब वो मैच हमारा गुआंड है सारे भाई है अपने जी, यार आया कि याद आ जाए, अच्छा जी। पहलवान जी आपने बताया कि खिलाड़ी इस कारण मतलब पंजाब में चले जाए खेलने, हरियाणा की खेल कमेटी ने क्या सुधार करने चाहिए अपने भीतर? भैया सुधार करना चाहिए भाई, टीमां तो पहले फोन कर दें जी भाई 10 बजे लोग एंट्री है, फिर टीमां ने उनका पूरा सहयोग देना चाहिए 10 बजे जाए जी, जो लोग की टीम है जी, जो दूर की टीम है, दूर की टीम में तो मड़ा हा 12-1-2 बजे का टीम दे दे जी, और जो नजदीक की टीम है उन अपना 10 बजे का टीम दे दे जी, और अपने दन दन के मैच करवावे एक पंचायत के या एक लड़ा के मैच करवावे, और भाई ओपन के करवाने हैं फिर अपना था 8 टीम ओपन के करवा ले, सही बात है जी, जो कमेटियां ने करवाने चाहिए इस तरह पब्लिक भी आ जाए
और अपने दोनों में मैच होना है, चोट पेट भी ज्यादा आ जाऊगा जी बोलें जी, ज्यादा में ऊँगली नहीं गात उठता सही बात है मन है, और फिर उसकी वजह तो ठंड की वजह तो फिर एकदम बढ़ना है चोट का ज्यादा कारण जी, प्रयत्न मैच हो यू है जी। पहलवान जी दर्शक भी बहुत सारे कबड्डी तो दूर होते जान लग रहे, के कारण है इसी यू है वजह है भाई, दो दो दिन टूर्नामेंट हो जाए जी, फिर रात में टूर्नामेंट हो है, किसी दौरे साधन है किसी दौरे ना है, कोई लटक पटक के जा है एक दिन में हो टेम तक घर आ जाए, 8-9 बजे लोग घर आ सके है, और वर रात में मैच होना में तो फिर दुखी हो है इस वजह से पब्लिक कम हो जाए जी। चलो जी आपने बताया कि ना 2016 में आपका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था, एकदम टीम कहाँ आउट हो गई थी, कहाँ चली गई थी जो कि दोबारा खेल मैदान पर नहीं दिखी भाई? एक तो हमारा भाई छोटा था हरपाल, वो गुजर गया था, फिर यू लॉस हो गया, फिर दूसरा हो गया नरेंद्र के चोट लाग गई, इस वजह से फिर प्रैक्टिस कम हो पाई, सीजन खत्म हो गया था इस वजह दूर हो गए, फिर मिनी की ओपन के कम रह गए थे हम, 2-3 बालक रह गए थे, फिर मिनी के हो गए थे, मिनी की गेलर ओपन की हो गई फिर ठीक हो गई जी। पहलवान जी वापसी का कुछ है? जरूर वापसी है के सीजन में मैच शुरू होंगे भाई जी, मतलब सीख की टीम दोबारा वापसी में आ जाएगी, दोबारा वापसी में आओगी जी। पहलवान जी आपने पीछे भी अनाउंसमेंट करी थी कि ना आप भी वापसी करने जा रहे हो और गांव सीख की टीम भी वापसी करने जा रही है, तो गांव की सीख की टीम की बात करें तो कितनी फिट है, क्या आप खेल मतलब मैदान में जाने के लिए तैयार है? पूरी फिट से भाई, सारे खेलने में तैयार से, वो तो किस्मत देखो भी किसी रहोगी, ले तो पूरी तैयारी कर रखी लॉकडाउन में सारे बड़ा कन है और अपना तैयारी करके ग्राउंड में मैच शुरू होते ही ग्राउंड में लग जाएंगे। तो पहलवान जी कौन कौन खिलाड़ी होंगे जो वापसी कर सके हैं? करसन है, सोनू है जी, भाई मैं हूँ, फिर जोनी है, एक सौरभ है, एक मोहित बड़ा, एक मोहित छोटा है जी, और भाई एक संजीत है, एक अंकुश है, प्रदीप है, ये सारी टीम है कुल मिला के, मिनी और ओपन के 4-5 बालक जी, मतलब नए खिलाड़ी भी हाँ, नए सारे नए ही मिनी वाले दो अच्छा और 4-5 ओपन के। पहलवान जी कोई विदेशी टूर वगैरह भी लगे आपने? गया था भाई मलेशिया जी, कब की बात है पहलवान जी? 2017 की है जी, उस समय मैं था, अनिल लहर था, प्रवीण था, कृष्ण यादीपा था, अरे भाई सोनू चमना था, कई जने थे भाई जगह जी। किस आवक प्रदर्शन रहा था पहलवान जी? पूरा फिट था मैं, बढ़िया प्रदर्शन रहा था जी। कितने एक दिन मतलब खेल गए थे पहलवान जी? मैं 15 दिन का था, 15-20 दिन का था। इस अलावा पहलवान जी कोई अंतरराष्ट्रीय? ना भाई, कोई अंतरराष्ट्रीय टीम के लिए खेल लो हरियाणा में या फिर पंजाब में? अब हरियाणा पंजाब के खेल लिए 2-3 मैच। अच्छा जी, झाड़े भी खेल लिए, उड़े भी खेल लिए पंजाब में भी, पंजाब में कई खेल लिए, झाड़े तो पहले 3-4 मैच खेल लिए जी। पहलवान जी आप कौन कौन सी लीग में खेल रहे हो, किस किस टीम में खेले हो लीग के अंदर? दोनों लीग में खेले, तो शेर हरियाणा थी जी, वो तो इशारे में खेला था भाई जी। एक या टीकाराम में खेला था जी। ये थी तो टीकाराम प्रदर्शन था पहलवान जी, उसमें बढ़िया प्रदर्शन था दोनों टीम में भाई जी। पहलवान जी हाइट वेट कितना है? मेरी हाइट भाई 6'4" है जी, 100 किलो वेट है। अच्छा, और पहलवान जी एज की बात करें, एज कितनी है? 35 साल है भाई जी। और पहलवान जी किस एज में अपना शुरू करी थी कबड्डी? लाग तो मैं छोटा आया गया था, फिर पहले देखने का घना शौक था, मैंने खेलने का इतना कौन था जी। फिर ये बालक आ गए, फिर इनकी खेल लिया, इन्हें खेल खेलने लग गया मैं। पहलवान जी सीख गांव की टीम की बात करें और नए नए खिलाड़ी है, नए जो आप आपके साथ खेल रहे, किसी एक टूर्निंग आपस में इनकी लड़ाई लड़ुई भी हो जाए? हाँ, लड़ाई लड़ुई का कोई काम नहीं भाई, बढ़िया आपस में भाईचारा है, सारे एक दूसरे की इज्जत करे मानने हैं, बढ़िया सलूक से टीम का जी। पहलवान जी इज्जत की बात करें, आपने इज्जत की बताई, बहुत सारी खेल कमेटियां नु करा भाई जो नए खिलाड़ी है या फिर टीम में आती है इज्जत नहीं करती, कुछ ऐसा ना? ऐसा तो कबड्डी में सारी इज्जत करे एक दूसरे की यार जी, ऐसा कोई बात नहीं जी। पहलवान जी बस ज़्यादा लंबी बात होगी, बस इंटरव्यू खत्म करते हुए बात करेंगे, पहलवान जी जो कि नए खिलाड़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे वो अपने खेल में बढ़िया उन्नति कर सके, बढ़िया मुकाम पर पहुँच सके? मैं नए खिलाड़ियों से यही विनती है भाई, अपना मेहनत करो जी, देसी खाओ पियो जी, यही है और अपना। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जो कि सीख गांव के एक हीरा थे खिलाड़ी, हरियाणा में अपना नाम करा, पूरे देश में अपना नाम चमकाया, संदीप मलिक सीख जी।
तो ऐसे खिलाड़ियों से मिलते रहेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो इसको शेयर जरूर कर दियो। धन्यवाद।